भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में। विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आपको बता दें कि समाज की मुख्य धारा में सुचारू परिस्थिति को कई असामाजिक तत्व समय समय पर क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला रायपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोनझरा में सामने आया है, जहां हिंदू धार्मिक भावनाओं को कुछ असामाजिक तत्व द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम सोनझरा में स्थित माता मंदिर में माता जी की प्रतिमा को गर्भगृह से उठाकर असामाजिक तत्व द्वारा खंडित कर गंदे नाले में फेंक दिया गया था, जहां आज सुबह ग्रामीणों द्वारा यह दृश्य देखा गया, जिसके समूचे ग्राम सहित क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 14 साल से माता जी का मंदिर ग्राम सोनझरा में स्थापित है, जहां नवरात्रि के समय सभी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यह मंदिर ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का मुख्य केंद्र है, लेकिन ग्राम में घटी यह घटना हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने वाली है। घटना की जानकारी लगते ही रामपैली थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया, जिस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात कर उनसे घटना की जानकारी एकत्रित की और आश्वासन दिया कि इस घटना में लिप्त आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी हरकत ना हो सके। वही थाना प्रभारी महोदय ने सम्मान के साथ माता जी की खंडित मूर्ति को दस्तयाब किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मौजूदगी में माता जी की नवीन मूर्ति की स्थापना मंदिर में की जाएगी। इस दौरान ग्रामीण अब्दुल गफ्फार खान ने बताया कि हमारे ग्राम में घटी यह घटना अनैतिक है और इस घटना से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है, जिसकी मैं और समूचा ग्राम कठोर निंदा करता है। हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वही ग्राम के सरपंच रविंद्र हनवत ने भी बात की, जहां उन्होंने घटना की कठोर निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही इस मामले में थाना रामपायली में भारतीय दंड विधान के उचित धाराओं में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी गई है। मैं रविंद्र हनवत, ग्राम पंचायत सुंदर सरपंच। जैसे कि आज ग्राम सुंदरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर माता मंदिर में स्थित माता जी की मूर्ति को खंडित करके फेंक दिया गया था, तो इस मामले के ऊपर मैं आप क्या कहना चाहेंगे? अब सवेरे मेरे को 7 बजे किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया, और फ़ोन करने के बाद जस्ट मैं माता मंदिर पहुँचा, वहाँ देखा कि कोई भी मैंने दुर्गा की मूर्ति और अन्य उसके साथ जो 6 मूर्ति थी वहाँ से चोरी हो गई हुई थी या वहाँ से गायब थी, उसको किसी व्यक्ति के द्वारा बाहर चुरा लिया गया या फेंक दिया गया उसको। तो इस मामले के ऊपर में पुलिस प्रशासन ने क्या आपसे बात कही है? अब TI साहब आए थे, आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिए कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई की जाएंगी और उसकी जांच की जाएंगी। मैं अब्दुल गफ्फार खान, ग्राम सोनझरा से ग्रामीण ही हूँ। क्या मामला हो गया सोनझरा में आज? यहाँ सोनझरा में पता चला हमारे को कि कुछ अज्ञात तत्वों के द्वारा माता मंदिर से मूर्तियाँ गायब कर दी गई, फेंक दिया गई। एक मूर्ति मिली माता जी का, जिसके अस्त व्यस्त हालत में बहुत से टुकड़े मिले हुए हैं और 6 मूर्ति गायब है। तो इसके ऊपर में क्या कार्यवाही की गई यहाँ पे? यहाँ अभी TI साहब थाने का पूरा बल आया हुआ था और उन्हें ग्रामीण को आश्वासन किया कि जो भी होगा इसमें लिप्त उसको हम छोड़ा नहीं जाएंगे, बख्शा नहीं जाएंगे। और धर्म के प्रति हमें ऐसा लगा कि TI साहब बहुत आस्था रखते हैं और उन्होंने वचन भी दिए कि ये जो मूर्तियाँ गायब हुई है इसकी स्थापना मेरे द्वारा खुद के स्वयं द्वारा की जाएंगी। मैं विनोद अबुल सदस्य प्रतिनिधि हूँ। आज जो यहाँ माता मंदिर में घटना घटी है उसका कि बड़ा खेद है, मूर्ति को खंडित करके बाहर फेंका गया है। अभी TI साहब और सभी दल वहाँ से थाने से पहुँचा है। ग्राम के सभी लोगों ने इसकी विवेचना करके इसको संज्ञान में लिया है। अब देखते हैं कौन इसका मतलब किसी प्रकार का कृत्य किया है और इसकी कार्रवाई करके उसको खंडित किया जाएगा।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।